हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम प्रियंका शर्मा है। आप सभी का पीएससी स्टडी पर स्वागत करती हूँ। ये आप सभी का ही चैनल है। तो हम हिंदी की क्लास स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर देखेंगे, ये हमारी थर्ड क्लास है। हिंदी को हम समझने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे बच्चों को हिंदी बहुत ज्यादा टफ लगती है कि मैम हिंदी को याद करना इतना आसान नहीं है। लेकिन जब आप पीएससी स्टडी पर आए हैं तो हिंदी को याद करके, समझ के, पूरी तरह से, अच्छे से, व्यवस्थित करके ही जाएंगे, ठीक है? ये मेरा आप सभी से वादा है। अगर आप डेली कंटिन्यू क्लास को करते हैं तो आपको हिंदी को समझने में, रटने में, सीखने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। आपको यहाँ पर रट्टा लगाने की जगह आपको सिखाया जाएगा, समझाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा कि हिंदी को किस तरह से सीखते हैं, हिंदी के प्रश्न एग्जाम में किस तरह से सही करते हैं। तो साथियों, इसी सभी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये हिंदी की क्लासेस स्टार्ट की हैं। और इन हिंदी की क्लासेस के लिए मैं आप सभी के लिए इतनी मेहनत करती हूँ और ये मेहनत कंटिन्यू रखना आप सभी का फर्ज है अगर आप हिंदी को सीखना चाहते हैं। क्योंकि मुझे ये मोटिवेशन कहाँ से मिलता है कि मैं इतने लंबे चौड़े बोर्ड पर मुझे कहाँ कौन सा टॉपिक किस तरह से व्यवस्थित करना है, ये मैं सीख के तो कहीं से आई नहीं हूं। मुझे इसमें पूरा दिमाग लगाना पड़ता है, पढ़ के ये आप सभी के लिए यहाँ पर शो करना पड़ता है, फिर आपको समझाना पड़ता है। बहुत मेहनत लगती है। इस मेहनत को आप ही कंटिन्यू बरकरार रख सकते हैं वीडियो को लाइक करके, वीडियो को शेयर करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को पूरी देख करके और कमेंट कर करके। तो आई होप आप ये सारा करोगे मेरे लिए और अपने लिए, क्योंकि आपको आपको पढ़ना है और मुझे पढ़ाना है। ये चैनल दोनों के इंटरेक्शन से और दोनों तरफ से ही बना हुआ है, ठीक है? तो एक तरफ से कुछ नहीं होता है, आप सभी का सहयोग है तभी ये चैनल है, ठीक है साथियों? तो हम स्टार्ट करते हैं। आप सभी इसी तरह से अपना सहयोग बनाए रखना। चलिए देखते हैं क्या है यहाँ पर। यूजफुल फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हिंदी। तो हमने, ये हमारी तीसरी क्लास है। हम दो क्लास ऑलरेडी ले चुके हैं। पहली क्लास में हमने देखा था कि जो हम वर्णमाला पढ़ने वाले हैं उसमें जो वर्ड है उसका निर्माण कैसे हुआ, वर्ड का निर्माण होने के बाद हमने वर्णमाला कैसे बनी ये देखा, कितने वर्ड होते हैं ये देखा, कितने स्वर हैं, कितने व्यंजन हैं ये देखा, फिर हमने स्वर और व्यंजनों का वर्गीकरण किया। तो कल हमने स्वरों के पांच वर्गीकरण या भेद पढ़ लिए थे। आज तो भेद और बचे हुए हैं, हम वो पढ़ेंगे। उसके बाद हम व्यंजन के भेद या वर्गीकरण देखेंगे। तो साथियों, यहां से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसीलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, बिल्कुल भी छोड़ना मत, पूरी वीडियो देखना, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्वरों के भेद, आज 1 मार्च 2023 है, सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। मैं किसी एक एग्जाम के लिए नहीं पढ़ा रही हूँ, बल्कि मैं सभी एग्जाम को लेकर के चल रही हूँ। मैं आपको इतना पढ़ा दूंगी कि आपको जितना लेना है उतना ले लो, जिस जिसको जितना जितना अपने अकॉर्डिंग लेना है वो इसमें से निकाल सकते हैं, ठीक है? एग्जैक्ट और डायरेक्ट ही से क्वेश्चन आएंगे और कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है आपको। चलिए हम 6 पॉइंट देख लेते हैं कि स्वर के भेद या वर्गीकरण में 6 पॉइंट क्या कह रहा है। 6 पॉइंट कह रहा है कि घोषत्व के आधार पर स्वर के भेद, घोषत्व के आधार पर स्वर के भेद, ठीक है? ये घोषत्व होता क्या है तो देखते हैं। यहां पर घोषत्व का अर्थ होता है स्वर तंत्रियों में ध्वनि का कंपन। जो हम बोल रहे हैं तो जो स्वर की कहते हैं ना, मीठी स्वर, कितना कितना अच्छा स्वर है ना, बिल्कुल कोयल जैसा है ना, ऐसे कहते हैं ना। तो स्वर तंत्रियों, जो हमारी स्वर तंत्रियों के बिना तो हम बोल ही नहीं पाएंगे, तो स्वर तंत्रियों में जब कंपन होता है उसी को हम घोष कहते हैं, उसी को हम घोषत्व तो कहते हैं। स्वर तंत्रियों में जब कंपन होता है तो सघोष ध्वनियां निकलती हैं। जब स्वर तंत्रियों में कंपन होता है तो कैसी ध्वनियां निकलती हैं, सघोष ध्वनियां निकलती हैं। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पूछ सकता है आपसे एग्जामिनर कि जब स्वर तंत्रियों में कंपन होता है तो कौन सी ध्वनियां निकलती हैं।
थर्ड पॉइंट है हमारा, सभी स्वर सघोष ध्वनियां होती हैं। सभी जो स्वर हैं वो कैसी ध्वनियां हैं, तो सघोष ध्वनियां होती हैं। आप ध्यान रखेंगे, सघोष ध्वनियां होती हैं सभी स्वर, अ से लेकर के अंग तक हमारे 13 स्वर होते हैं और वो सभी सघोष ध्वनियां होती हैं। नेक्स्ट देखेंगे सेवंथ पॉइंट है, प्राणत्व के आधार पर स्वर के भेद। प्राणत्व का मतलब क्या होता है मैम, तो चलो हम देखेंगे यहाँ पर। प्राणत्व का अर्थ होता है कि मतलब प्राण का अर्थ है हवा, क्या है हवा। सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं, यानी इनके उच्चारण में मुख से कम हवा निकलती है। अल्प प्राण का मतलब क्या है, प्राण का मतलब हवा और अल्प का मतलब कम, यानी कि ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में कम हवा निकले उसी को हम प्राणत्व स्वर कहते हैं। क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे वैसे ही घोषत्व स्वर हैं, जिनमें स्वर तंत्रियों में जब कंपन होता है तो उन्हें हम घोषत्व स्वर कहेंगे। जब कम हवा निकले, ऐसे वर्ड जिनके उच्चारण में कम हवा निकले तो उनको हम क्या कहेंगे, प्राणत्व के आधार पर स्वर कहेंगे। अब हम देखेंगे यहाँ पर, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कुछ और देखते हैं। अब हमने भेद तो इसके पूरे हो गए, 7 भेद थे वो पूरे हो गए, लेकिन अगर आपसे एग्जामिनर क्या पूछ लेता है, अगर आप आपसे एग्जामिनर पूछ लेता है कि जो हमारे स्वर हैं उनको कितने वर्गों में बांटा गया है, स्वर को कितने, मैं भेद की बात नहीं कर रही, मैं स्वर को वर्गों में बांटने की बात कर रही हूं, किसके आधार पर, उच्चारण के आधार पर। तो उच्चारण के आधार पर स्वर को कितने वर्गों में बांटा गया है वो आप यहाँ देखेंगे। तो कभी भी आपसे एग्जामिनर पूछ लेता है कि स्वर को उच्चारण के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया है, तो इसका पहला आंसर हो जाएगा 5 में। कितने में, 5 में। कंठ तालु ओष्ठ मूर्धा, सॉरी 6 में, ठीक है 6 है। कंठ तालु ओष्ठ मूर्धा कंठ तालु और कंठोष्ठ, 6 हो गए यहाँ पर। मैम याद कैसे करेंगे, KTOMKK ये ट्रिक है, यानी कि KTO आप क्या लेंगे, बाइक लेंगे, KTOMKK ये आपकी बाइक का नाम है, KTOMKK। कंठ वर्ग में कौन कौन से वर्ड आते हैं, कौन कौन से स्वर वर्ड आते हैं, तो छोटा आ बड़ा आ आती है, तालु में छोटी ई बड़ी ई, ओष्ठ में छोटा उ बड़ा उ, मूर्धा में रीरी, कंठ तालु में ए और कंठोष्ठ में ओ ओ। ये यहाँ पर आप देखेंगे जब भी आपसे पूछा जाता है, एग्जामिनर पूछता है कि तालु वर्ग में कौन कौन से वर्ड आते हैं या कौन कौन से स्वर आते हैं, तो आप क्या बताएंगे, छोटी ई और बड़ी ई। बहुत ही इजी है, बस आपको एक ट्रिक याद करनी है, दो दो वर्ड आपको लिखते जाने हैं आगे आगे के, यहाँ तक आप बड़े ओ तक लिख दोगे। अब उसके बाद कहोगे मैम छोटी अंग बड़ी अंग कहाँ गई, वो हमें नहीं दिख रही, तो चलिए देखते हैं वो कहाँ है, ढूंढने की कोशिश करते हैं। जब आप ढूंढेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देती हैं छोटी अंग और बड़ी अंग। छोटी अंग और बड़ी अंग को हम संयुक्त रूप से अयोग वाह कहते हैं। कभी आपसे एग्जामिनर पूछ लेता है कि छोटी अंग बड़ी अंग को हम क्या कहते हैं, क्या इन्हें हम स्वर कहते हैं, क्या इन्हें हम व्यंजन कहते हैं, क्या इन्हें हम स्वर और व्यंजन दोनों कहते हैं, या फिर इन्हें अयोग वाह कहते हैं, तो आप आंसर बताएंगे कि इन्हें अयोग वाक कहते हैं, अगर अयोग वाक का ऑप्शन है, अगर नहीं है तो आप स्वर पर टिक कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों को संयुक्त रूप से हम अयोग वाक कहते हैं, लेकिन अगर हम बात सेपरेट की करते हैं तो अनुस्वार को, छोटी अंग को हम अनुस्वार कहते हैं और बड़ी अंग को हम विसर्ग कहते हैं। इज दैट क्लियर। तो क्या होते हैं स्वर, कल बताया था स्वर वे होते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। उसके बाद हमने स्वर के भेद देखे थे, भेद में हमने 5 भेद कल देख लिए थे, 6-7 आज देख लिए। फिर हमने स्वरों का वर्गीकरण कर लिया कि स्वर कितने वर्गों में विभाजित हैं, डिवाइड हैं, देख लिए 6 वर्ग हैं और उनको ट्रिक से भी याद कर लिया, कंठ तालु ओष्ठ मूर्धा कंठ तालु और कंठोष्ठ, KTOMKK। उसके बाद हमारे छोटी अंग बड़ी अंग बच जाते हैं, उनको हम अयोग वाह कह देते हैं, छोटी अंग को हम अनुस्वार कह देते हैं सेपरेटली, और बड़ी अंग को हम विसर्ग कह देते हैं, ठीक है। तो विसर्ग बहुत इजी है, जैसे विसर्ग संधि होती है ना, पीछे दो बिंदियां लगती हैं, सेम इसमें इस तरह आप याद कर सकते हैं। चलिए अब हम व्यंजनों का वर्गीकरण करते हैं कि व्यंजन क्या होते हैं और उनका हम किस प्रकार से वर्गीकरण कर सकते हैं। तो देखेंगे व्यंजन वे होते हैं जिनका
व्यंजन वे होते हैं जिनका निर्माण स्वरों की सहायता से होता है। व्यंजन वे होते हैं जिनका निर्माण स्वरों की सहायता से हो सकता है होता है, जबकि स्वर वे होते हैं जिनका निर्माण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। कभी भी आपको व्यंजनों का निर्माण या व्यंजनों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं करना होगा, एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं करना होगा, क्योंकि मैं इसका आपको कारण देती हूँ कि क्यों नहीं करना होगा। और मैं कैसे पता लगाएं कि ये स्वरों की सहायता से बने हुए हैं, हमें तो नहीं पता, हम तो ऐसे ही समझ रहे हैं स्वतंत्र तो है, क ये व्यंजन होता है, ख ये व्यंजन होता है। नहीं साथियों, यही तो आप गलती कर रहे हैं कि इसे आप स्वतंत्र रूप से समझ रहे हैं। आइए समझते हैं कि कैसे इसमें स्वर ऐड है। मैंने यहाँ पर क लिख दिया। अब आप कहेंगे मैम ये व्यंजन है, मैं पूछूंगी ये क्या है, स्वर है या व्यंजन है, तो आप कहेंगे मैम ये व्यंजन है, ठीक है। लेकिन जब मैं कह देती हूँ कि ये स्वर और व्यंजन इसमें दोनों है, ठीक है, स्वर और व्यंजन इसमें दोनों है, क्योंकि व्यंजन वे होते हैं जिनका निर्माण स्वरों की सहायता से होता है। अगर मैं कहूं कि आप इसे प्रॉपर व्यंजन में लिख के दिखाओ मुझे क को, मैंने ये क लिख दिया और आप इसे प्रॉपर व्यंजन में लिखो, कैसे लिखोगे आप इसे प्रॉपर व्यंजन में, तो आप क्या करोगे, क डैश प्लस अ लिख दोगे, ठीक है, क डैश प्लस अ लिख दोगे। इसका मतलब क्या हुआ, ये तो व्यंजन है और ये इसमें स्वर है। अगर मैं इसे फिर से एक करके मिलाने की कोशिश करती हूँ तो इस तरह से क बन जाएगा और इसमें स्वर भी है और इसमें व्यंजन भी है और इसी को हम व्यंजन कहते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो व्यंजन है इसमें स्वर और व्यंजन दोनों ऐड हैं। अगर आपसे कोई इसे प्रॉपर व्यंजन लिखने के लिए कहता है तो आप कैसे लिखेंगे, इस तरह से प्रॉपर व्यंजन लिखेंगे, प्रॉपर व्यंजन इसमें क हो जाएगा और ये यहाँ पर स्वर हो जाएगा। इज दैट क्लियर, ठीक है। तो आप सभी को ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से जो व्यंजन होते हैं उनका निर्माण स्वरों की सहायता से होता है, कभी भी उनका निर्माण स्वतंत्र रूप से नहीं होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो व्यंजनों के भेद वर्गीकरण, इसीलिए हमेशा ही आपको क्या दिखेगा, क। अभी मैंने क का दिखाया ना आपको, क का कैसे बना हुआ है, क प्लस अ, वैसे ही आप ख देखोगे, ख ख प्लस अ, वैसे ही आप ग देखोगे, कैसे, ग प्लस अ, वैसे ही आप घ देखोगे, यानी कि जितने भी 39 वर्ड होते हैं हमारे व्यंजन होते हैं वो इसी तरह से स्वरों की सहायता से बनते हैं। अ क्या है, एक स्वर ही तो है ना, तो इनमें हमेशा ही अ तो प्रेजेंट रहता ही रहता है, तो अ की सहायता से ये बनते हैं। 25 पहला इनका भेद या वर्गीकरण, स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 25 होती है, कितनी होती है, 25। आपसे एग्जामिनर डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन कर सकता है कि स्पर्शी व्यंजनों की संख्या निम्नलिखित में से क्या होती है, 25, 30, 29, 48 दे देगा तो आप बता देंगे 25 होती है। हाँ, अब देखेंगे यहाँ पर इनको हम 25 होती है स्पर्शी व्यंजन, कितने, 5 × 5, ठीक है, 5 × 5, 5 कॉलम होते हैं, 5 रो होते हैं, 5 कॉलम 5 रो। तो देखेंगे हम ये वर्ग हैं, यानी अभी जैसे हमने स्वर देखे थे ना कि स्वरों को हमने, अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है कि स्वरों को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो वैसे ही आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो वर्ग के आधार पर व्यंजन के भेद देखेंगे आप, ठीक है। पहला स्पर्शी व्यंजन और इसमें वर्गों के आधार पर व्यंजन के भेद, क च ट त प कितने होते हैं, 5, क च ट त प, ट्रिक से याद करेंगे, क च ट त प। अब आप ऐसे नहीं पढ़ेंगे मैम 5 होते हैं तो 5 ऐसे जाते हैं फिर नीचे आते हैं, जैसे क क ख ग घ, क ख ग घ य, फिर आंगन आ गया, चा चम्मच छा छतरी, जा जलेबी झा झंडा या खली, टा टमाटर ठठरे, इस तरह से आप हर एक वर्ग पे नहीं जाएंगे। ट्रिक कैसे है, क च ट त प, ये ट्रिक है, इसे याद रखेंगे। अब हम देखेंगे यहाँ पर ये हमारा क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। क वर्ग को क्या कहते हैं, एग्जामिनर पूछेगा आपसे क वर्ग को क्या कहते हैं, क्या हम तालु कहते हैं उसे, नहीं, कंठ कहते हैं, क से ही पता चल रहा है कंठ। च से तालु, च से चालू मत कर देना, च से होता है तालु, क्या है, तालु। तालु होता कहाँ है, कहाँ होता है, तो आप देखो ये हमारा ऊपर वाला है, जैसे ऊपर वाला जो है ना जिसे जबड़ा कहते हैं, वो ऊपर वाला हमारा मूर्धा होता है और ऊपर वाले से थोड़ा सा पीछे हमारा तालु होता है, क्लियर। तो ये मूर्धा है और ये हमारा तालु होता है।
तो च वर्ग को क्या कहते हैं हम, तालु कहते हैं। ट वर्ग यानी कि ट ठ ड ढ य, इसको हम मूर्धा कहते हैं। त वर्ग को त थ द त थ द ध न, इसमें ये पांच वर्ण आएंगे, इनको हम दंत कहते हैं। प वर्ग को हम होंठ कहते हैं यानी प फ प भ म। तो कभी भी आपसे एग्जामिनर पूछे कि क वर्ग में से निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन नहीं है, बता देंगे आप कि क ख ग घ होते हैं बाकी नहीं होते हैं। वैसे इसमें से किसी ने पूछता है तो आप बता देंगे, ठीक है। अब यहां से और देखेंगे, बिल्कुल नोट्स की तरह डिट्टो आप इसे अपनी नोटबुक में छाप सकते हैं। इधर से पूछ लिया एग्जामिनर ने, अब सपोज दैट किसी एग्जाम में इधर से ना पूछने की वजह से इधर से पूछ लिया, ऐसा नहीं है कि हर एक एग्जाम में इधर से नहीं पूछेगा इधर से ही पूछेगा, या इधर से नहीं पूछेगा तो इधर से ही पूछेगा, ऐसा नहीं है। कभी इधर से पूछ लेगा किसी एग्जाम में तो कभी इसी में इधर से पूछ लेगा। अगर इधर से पूछता है कि क वर्ग है वो निम्नलिखित में से अघोष है या फिर महाप्राण है या फिर अल्प प्राण है या फिर दोनों है, पूछ लेगा इस तरह से, तो आप बताएंगे कि जो क है हमारा, जो क वर्ण है वो अघोष और अल्प प्राण होता है। क वर्ग में तो वो आता ही है, उसे हम कंठ वर्ग में तो कहते हैं, लेकिन यहाँ पर उसे अघोष और अल्प प्राण भी कहते हैं। फिर हम ख की बात करें कि ख किस में आता है, तो ख हमारा अल्प, अ से अल्प और महा से महाप्राण, तो ये अल्प प्राण तो है ही, अल्प प्राण के साथ साथ ये महाप्राण भी है, सॉरी अघोष है ये, ठीक है, अल्प प्राण नहीं है अघोष। आ होगा तो आप अघोष देखेंगे और अल्प लिखा होगा वहां तो वो तो देखेंगे आप, ठीक है। तो ये अघोष और अल्प प्राण होते हैं ये सारे, क च ट त प ख छ ठ थ फ, ये कौन से होते हैं, ये अघोष और महाप्राण होते हैं। ये वाले जो हमारा कॉलम है ये क्या होता है, ये सघोष और अल्प प्राण होते हैं। ये वाला जो कॉलम है ये सघोष और महाप्राण होते हैं। सघोष अल्प प्राण और नासिक व्यंजन हम ड या ढ न म को कहते हैं, ड या ढ न म को हम क्या कहते हैं, नासिक व्यंजन कहते हैं हम इन्हें, ठीक है। तो दोनों तरफ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैंने बहुत लंबा चौड़ा ना लिखने की वजह से इधर से पूछता है तो आप ऐसे बता सकते हैं और इधर से पूछता है तो ऐसे बता सकते हैं, ठीक है। तो कभी भी क वर्ग कंठ वर्ग में कौन सा है बताएंगे, क्या क वर्ग है वो हमारा अघोष है महाप्राण है, बता देंगे भाई महाप्राण नहीं है अल्प प्राण है, वैसे ही सारे। उसके बाद हमने स्पर्शी व्यंजन देख लिए। अब स्पर्शी व्यंजनों में से कुछ को अघोष कह दिया है, कुछ को सघोष कह दिया है, किस आधार पर कहा गया है, तो घोषत्व व्यंजन है। दूसरा हमारा जो भेद हो जाएगा, वर्गीकरण हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, घोषत्व व्यंजन। घोषत्व व्यंजन इसी में से है, इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है कि इसी का एक पार्ट है, इसी का पहला पार्ट है। घोषत्व व्यंजन क्या होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, अघोष और सघोष। सघोष को हम घोषपी कह सकते हैं। तो अघोष होते हैं उच्चारण में स्वर तंत्रियों का कंपन न हो, जब हम किसी का उच्चारण करें तो स्वर तंत्रियों में कंपन न हो उसी को हम अघोष कहते हैं। जब भी आप किसी वर्ग का, ये वर्ग है पांच वर्ग है, इसमें से किसी भी वर्ग के पहले और दूसरे व्यंजन को आप बोलेंगे तो आप पाएंगे कि आपके स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं हो रहा है। कैसे, मैंने क्या बोला दोबारा समझेंगे ध्यान से, मैंने बोला अघोष वे होते हैं जिनके ऐसे वर्ण होते हैं अघोष जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता। कौन से होते हैं, तो जो ये हमारे वर्ग दे रखे हैं पांच वर्ग, इनमें से किसी भी वर्ग के पहले और दूसरे वर्ण का जब हम उच्चारण करेंगे, उच्चारण यानी बोलना, जब हम बोलेंगे तो हम पाएंगे कि स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं हो रहा है। देखो क, जब हमने किसी भी वर्ग का क बोला, पहला वर्ण है ये, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा चौथा पांचवा, वैसे ही पहला दूसरा तीसरा हर एक वर्ग में यही रूल अप्लाई होगा। जब हम इसे बोलते हैं तो पहला है ये दूसरा है, का बोलेंगे तो कोई भी कंपन नहीं हुआ, ख बोलेंगे तो कोई भी कंपन नहीं हुआ। जब हम र इस तरह ये कंपन होता है, क बोल के चुप हो गए, ख बोल के चुप हो गए एक ही बार में, ठीक है। वैसे ही सघोष क्या होते हैं, तो सघोष वे होते हैं इनमें कंपन होता है जब हम इनका उच्चारण करते हैं, ये होते हैं हर वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण, हर वर्ग का तीसरा चौथा। तो दो तो पहले में आ गए, अघोष कहा था हमने, ये हो गए हमारे पास सघोष या घोष। ग ग ग ग ग ऐसा लग रहा है कि हमारा कंपन हो रहा है ग में, क में नहीं हो रहा लेकिन
ग, ग में हो रहा है, घ में हो रहा है और ड में हो रहा है। ग घ ग घ यं, ग घ यं इनमें होता है तो इन्हें हम सगोज कहते हैं। उसके बाद दूसरा इसी में इसी का पार्ट है प्राणत्व के आधार पर स्वर व्यंजन के भेद। हमने स्वर के भी देखे थे ना, घोषत्व और प्राणत्व, तो इसमें भी है ये व्यंजन है वो स्वर थे। तो प्राणत्व के आधार पर व्यंजन के भेद दो होते हैं, कौन से देखेंगे यहाँ पर, अल्प प्राण और महाप्राण। प्राणत्व का मतलब मैंने भी बताया था स्वर में, मतलब प्राण का अर्थ होता है हवा, ठीक है। तो हवा के आधार पर हम देखेंगे व्यंजन के भेद दो होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। अगर हवा कम निकलती है जिनके उच्चारण में उनको हम अल्प प्राण कहेंगे, और हवा ज्यादा निकलती है जिनके उच्चारण में उनको हम महाप्राण कहेंगे। अल्प प्राण यानी कि मुख से कम हवा निकले, महाप्राण यानी मुख से ज्यादा हवा निकले। हर वर्ग का पहला तीसरा पांचवा व्यंजन अल्प प्राण होता है। अल्प का मतलब देखो, एक पहले आया, ठीक है, दूसरा ये बड़ा हो गया, यानी इसमें क्या कहा गया, जो इवन नंबर होते हैं वो हमारे महाप्राण होते हैं और जो ऑड नंबर होते हैं वो अल्प प्राण होते हैं, ठीक है। पहला तीसरा और पांचवा ये ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर है अल्प प्राण, महाप्राण इवन नंबर है, दो और चार ये महाप्राण हो जाएंगे। तो पहला तीसरा और पांचवा व्यंजन होता है हर वर्ग का, पहला तीसरा और पांचवा व्यंजन। तो देखेंगे पहला तीसरा और पांचवा व्यंजन हम क्या कह रहे हैं, अल्प प्राण। तो अल्प प्राण, अल्प प्राण और अल्प प्राण, ठीक है। देख सकते हैं आप यहाँ पर अघोष, अघोष, शघोष, शघोष। देखो अघोष, अघोष कहा था हमने पहला और दूसरा, ये था ना अघोष में पढ़ा था पहला और दूसरा, तो यहाँ पर सब लिखा हुआ है, ठीक है। कुछ अगर आप यहां से भी नहीं पढ़ पाए तो आप इतने को पढ़ लोगे ना तो भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। वही मैंने यहाँ विस्तार से लिख रखा है, वही मैंने इस टेबल में फिट कर दिया है सब कुछ। तो यहाँ हो गया। अब महाप्राण क्या होते हैं, हर वर्ग का दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा देख सकते हैं यहाँ पर, दूसरा और चौथा हमारा क्या होते हैं, हमारे महाप्राण होते हैं। तो महाप्राण और महाप्राण ये अलग अलग है, अघोष भी कहते हैं महाप्राण भी कहते हैं, इसका मतलब ये हो गया अघोष भी कहते हैं महाप्राण भी कहते हैं, सघोष अल्प प्राण, सघोष महाप्राण, सघोष अल्प प्राण और नासिक कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमने देख लिया। अब हम देखेंगे यहाँ पर अंतस्थ व्यंजन। पहले का दो पार्ट थे वो कंप्लीट हो गए, लेकिन इसका तीसरा पार्ट भी है जो कि उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन है। ये उच्छिप्त और द्विगुण व्यंजन क्या होते हैं, कल भी मैंने बताया था कि जो ड और ढ है उसे हम उच्छिप्त और द्विगुण व्यंजन कहते हैं, क्योंकि इनके नीचे है वो दो बिंदिया, दो मतलब दोनों के नीचे एक एक बिंदी आती है, इसीलिए हम इन्हें द्विगुण व्यंजन कहते हैं। देखो क्या होता है इनमें, जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो क्या क्या इनकी वो होती है, इनको याद रखने की इनकी क्या एक अच्छी खासियत होती है वो देखेंगे। ड और ढ, जीभ पहले उठकर मूर्धा को स्पर्श करती है। जब हम ड और ढ को बोलते हैं, आप भी बोल करके देखना ड और ढ को, जब आप ड और ढ को बोलेंगे तो पहले आपकी जीभ उठेगी, फिर मूर्धा से लगेगी, मूर्धा से लगने के बाद झटके के साथ नीचे आएगी, ड ड ड ऐसा लग रहा है पहले ऊपर गई फिर नीचे आई, ड ड। मूर्धा तालु कहाँ है मैंने बता दिया, मूर्धा हमारा ऊपर है और तालु हमारा उससे पीछे है। तो इनमें क्या होता है, ड और ढ के उच्चारण में जीभ पहले ऊपर उठती है, फिर मूर्धा को स्पर्श करती है, फिर झटके के साथ नीचे आती है। ये हिंदी के विकसित व्यंजन है, ये संस्कृत में नहीं थे ड और ढ। यहीं से आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि क्या ड और ढ संस्कृत के व्यंजन है, क्या इन्हें संस्कृत में बताया गया है, डिफाइन किया गया है, क्या ये संस्कृत में अभी भी उपस्थित है। तो ये हिंदी से बनकर के आए, संस्कृत में नहीं थे ये, ठीक है। तो ये आपके लिए एक नोट करने वाली बात है, यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है, देख लेंगे, ठीक है। ड को हम क्या क्या कह सकते हैं, जैसे हमने क वर्ग को अघोष कह दिया, अल्प प्राण कह दिया, क वर्ग को हमने अघोष कह दिया, महाप्राण कह दिया, वैसे ही ग को, घ को, ड को कह दिया। तो देखो ड को हम क्या कहते हैं यहाँ पर, इसे मूर्धन्य कहते हैं। कहाँ पर है ये आप देख लेंगे, यहाँ पर ये है, ये क्या है हमारे द्विगुण व्यंजन या फिर उच्छिप्त व्यंजन है। तो ड को जो है हमारा इसे कहते हैं मूर्धन्य, सघोष और अल्प प्राण। किस कुछ भी पूछ सकता है कि ड को हम मूर्धन्य कहते हैं, क्या ड को हम सघोष कहते हैं, अल्प प्राण कहते हैं, चार ऑप्शन देके। तो इनमें से अगर कोई होता है तो आप उस पर टिक कर देंगे। वैसे ही ढ है, ढ को हम मूर्धन्य कहते हैं, सघोष कहते हैं और महाप्राण कहते हैं, बाकी सभी सेम है, लेकिन अल्प प्राण और महाप्राण ये अल्प हो जाता है, ये महा हो जाता है। अब मैं इसे कैसे याद करें, तो वही
मैंने क्या बताया था, जो तीसरे नंबर पर आता है उसे हम अल्पप्राण कहते हैं, यानी कि जो ऑड होता है। ऑड नंबर पर क्या आया, ड, अल्पप्राण हो गया। ढ चौथे नंबर पर आया तो महाप्राण हो गया, यानी कि इवन पर आया, इवन नंबर पर, जो मैंने अभी यहां पर बताया आपको अल्पप्राण और महाप्राण में, ठीक है। तो ऐसे आपको इसे याद करना बहुत ही इजी है। उच्चिप्त और द्विगुण, ड और ढ, हिंदी मतलब संस्कृत में नहीं थे, ये हिंदी से विकसित हुए हैं। और पहले जीव ऊपर उठती है, फिर मूर्धा को टच करती है, फिर झटके के साथ नीचे आ जाती है, यही तो है उच्चिप्त, और क्या है, कुछ नहीं। चलो अब हम देखते हैं दूसरा है हमारा, इसका जो वर्गीकरण है, भेद है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन मैंने आपको कल भी बताए थे क्या होते हैं अंतस्थ व्यंजन, य, र, ल, व को हम क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। तो चलो इनकी क्या विशेषता है देख लेते हैं अंतस्थ व्यंजन की। चार हो गए यहाँ पर, ठीक है, चार हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण स्वर व व्यंजन के बीच होता है उन्हीं को हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच होता है उन्हीं को हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, ठीक है जी। देखते हैं यहाँ पर चार, आप देख सकते हैं य, र, ल, व। य, र, ल, व को हम इस तरह से लिख लेंगे, य को कौन से वर्ग में रखेंगे तो तालव्य, तालु वाले वर्ग में रखेंगे। इसके उच्चारण में हमारे तालु की क्रिया होती है, तालु चलती है। फिर उच्चारण स्थान क्या होगा, तालु, तो तालव्य तालु। र को हम वर्ष कहते हैं, लेकिन इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, दांत और मसूड़ा, दांत और मसूड़ा चलते हैं इसको बोलने में। फिर होगा ल, ल को भी हम वर्ष कहते हैं, दांत और मसूड़ा चलते हैं इसके बोलने में। व को हम दंतोष्ठ कहते हैं, दांत और ओष्ठ दोनों चलते हैं व को बोलने में, व, तो दांत और ओठ दोनों टच करते हैं। उच्चारण क्या हो जाएगा, ऊपर के दांत प्लस निचला होठ, ठीक है। तो क्या बताने की कोशिश कर रहा है ये हमारा, ये वाला चार्ट, तो यहाँ पर देखेंगे ये तो हमारे वर्ड हो गए कौन से, अंतस्थ। चार होते हैं, ऐसे भी पूछ सकता है कि अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है, चार है। अंतस्थ व्यंजन कौन से वर्ग में आता है, तो तालव्य वर्ग में आता है। तालव्य वर्ग की विशेषता है एक तरह से ये कि इसमें तालु उठती है हमारी। र में ये इसे वर्ष व्यंजन है, इसमें होता क्या है कि दांत और मसूड़े दोनों चलते हैं। ल में ये वर्ष व्यंजन है और इसमें दांत मसूड़े दोनों चलते हैं। व दंतोस्थ यानी कि दांत और ओष्ठ चलते हैं, और ये ऊपर के दांत होते हैं, नीचे के होठ होते हैं, ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं। अब यहाँ पर इनमें ही कुछ और विशेषता है, देखो यहाँ पर य और व को हम अर्धस्वर भी कहते हैं। तालव्य और तालु व्यंजन तो हम इसे कहते ही हैं, इसे हम अर्धस्वर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, इनके उच्चारण में ध्वनि जो कभी स्वर तो कभी व्यंजन होती है। जो ध्वनि होती है ना, जब हम इनका य और व का उच्चारण करते हैं तो जो ध्वनि निकलती है ना, कभी तो स्वर होती है वो, कभी व्यंजन होती है। इस वजह से इन्हें अर्धस्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्धस्वर, की आधे तो स्वर है और आधे व्यंजन है बचे हुए। तो देख लिया आपने, य व आप कभी नहीं भूलेंगे, यहीं से आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पुट करेगा कि य और व क्या है, क्या ये अर्धस्वर हैं, क्या ये पंच स्वर हैं, इस तरह से ऑप्शन देगा और आपसे पूछेगा। फिर र को हम लुंठित व्यंजन भी कहते हैं अलग से। यहाँ तो आपने र पढ़ाई कि इसे वर्ष कहते हैं और दांत और मसूड़ा चलता है इसमें, लेकिन इसे लुंठित व्यंजन भी कहते हैं। होता क्या है इस लुंठित व्यंजन में, तो इसके उच्चारण में जीव तालु से लुढ़क कर स्पर्श करे, इसी को हम लुंठित व्यंजन कहते हैं। तालु से लुढ़क कर के जल्दी से स्पर्श करती है तालु से, तो इसे हम लुंठित व्यंजन कहते हैं। ल को हम पार्श्विक व्यंजन कहते हैं, क्योंकि इसके उच्चारण में हवा जीभ के बगल से निकल जाती है, किसके, ल, ल, ठीक है, तो बगल से हवा निकल जाती है इसी को, इसीलिए हम पार्श्विक व्यंजन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे सघोष अल्पप्राण भी माने जाते हैं। जितने भी सघोष होते हैं ना, कौन से, आप यहाँ पर इनकी विशेषताएं देखेंगे। जब भी आपको सघोष देखना हो, आप यहाँ पर जाएंगे, हर वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा जो वर्ग होता है वो सघोष में आता है, तीसरा चौथा पांचवा। तो ये जितने भी इधर वाले तीसरे चौथे पांचवे हैं वो सभी सघोष में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वही कहा गया है, सघोष अल्पप्राण भी माने जाते हैं, क्योंकि सघोष तीसरे, अल्पप्राण क्या होता है, ऑड नंबर 135, तो ये तीसरे नंबर पर आएंगे, ठीक है, तो इसीलिए होते हैं। तो आपके साथ बहुत सारी यहाँ पर मैंने मतलब हर डोर खोल रखा है आपके लिए, कहाँ से आप कितना पढ़ना चाहते हैं। अब देखो, हमने बस इसके दो और बचे हुए, संयुक्त व्यंजन और ऊष्म संघर्षी व्यंजन, दो इसका वर्गीकरण और है जो हम कल देखेंगे, उसके बाद
व्यंजन और कहीं भी नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ इतना व्यंजन पढ़ना है। तीन क्लास मैंने जो पढ़ाई है ना, ये आपके लिए वरदान साबित हो सकती है आपके एग्जाम में, अगर आप इन्हें अच्छे से पढ़ लेते हैं तो ठीक है, अगर नहीं पढ़ते हैं तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, आप आज ऐसे हैं वैसे कल रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आप बताना ये वीडियो आपको कैसी लगी, कोई भी डाउट वगैरह रहता है कमेंट सेशन में कमेंट करेंगे। और इतना हमने पढ़ लिया है, बाकी का दो हमारे वर्गीकरण बच रहे हैं, वो हम कल पढ़ लेंगे। ठीक है, तो क्लास कैसी लगी कमेंट सेशन में बताना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब। जय हिंद जय भारत।